हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कैपेक्स। एंड कैसे आप सब लोग। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं पंच का ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में एक और वीडियो डाली हुई है चैनल पे, और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया उस वीडियो को, बट फिर भी कुछ लोगों के क्वेश्चंस रह गए हैं जो मुझे वो बार बार पूछते रहते हैं इस कार से रिगार्डिंग। तो आज ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में, एंड बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, इस कार के पॉजिटिव पॉइंट्स, इस कार के नेगेटिव पॉइंट्स। एंड आई डोंट थिंक सो इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं बताऊँगा इस कार के बारे में। तो गाइस, शुरू करते हैं सबसे पहले इसके इंजन स्पेसिफिकेशन से। सो गाइस, बात करें इस कार के इंजन की, तो इस कार में आपको 1.2 लीटर का रेवट्रॉन इंजन मिलता है, कि जो कि 87 bhp की पावर और 115 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो पावर फिगर अगर आप देखोगे ऑन पेपर, काफ़ी अच्छा पावर फिगर आपको दिखता है, बट रियल लाइफ की अगर मैं बात करूँ ना, तो कहीं ना कहीं इसका कर्व वेट ज़्यादा होने की वजह से वो पावर ये डिलीवर नहीं कर पाता, और आपको कई जगह ये थोड़ा अंडर पावर भी फील होता है। बहुत सारे लोग इस बात पे एग्री करेंगे जिन लोगों ने ये कार यूज़ करी है, कि स्पेशली जब आप कार को ओवरटेक कर रहे हो और जो आपको इनिशियल पिकअप चाहिए होता है कार से, वो इसका इंजन डिलीवर नहीं कर पाता। और उसका रीज़न सिर्फ एक ही है, बिकॉज इस कार कव वेट बहुत ज्यादा है, जिसके कंपैरिजन में इसका इंजन थोड़ा कम फील होता है। अगर इसमें कंपनी टर्बो इंजन देती तो मुझे लगता है पर्सनली कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता, बट इनिशियली अभी तो इसमें सिर्फ एक इंजन ऑप्शन आ रहा है, तो अभी के लिए फिलहाल इंजन थोड़ा सा अंडर पावर फील होता है मुझे तो। एंड स्पेशली जब मैंने बताया आपको कि जब पिकअप की बात आता है, इनिशियल गियर्स में आपको लैग फील होता है, एंड वो पिकअप ये जनरेट नहीं कर पाता ड्यू टू हिज कर्व वेट। एंड ये एक पॉइंट है जो मुझे लगता है इसके इंजन में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है। कई लोगों का एक और पॉइंट रहता है इसके इंजन से, वो है इसके NVH लेवल से। मैं मानता हूँ कि अभी इस कार में ये इसका फेस टू कंप्लाइंट नहीं है, पुराना ही 2022 वाला मॉडल है। 2023 मॉडल पे जो NVH लेवल का इशू है ना, ये काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुका है। अब जो गाड़ियाँ आ रही है फेस टू कंप्लाइंट, उसमें NVH लेवल बहुत लो है, तो आपको जो वाइब्रेशन और जो नॉइज़ है वो अब इस कार में काफ़ी हद तक कम हो गया है जब से इसका फेस टू कंप्लाइंट आया। तो वो जो इशू था NVH वाला, वो रिजॉल्व हो चुका है। बट हाँ, जो बात रही है अंडर पावर की, वो थोड़ा बहुत अभी भी आपको इस कार में फील होगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको फील होगा ना, वो है इस कार में पैनल गैप का। पैनल गैप्स आपको दिख जाएंगे कई कई जगह इसमें कार में, तो पैनल गैप्स का एक इशू है जो मुझे फील होता है इस कार में है, एंड वो थोड़ा फिट एंड फिनिश का इशू है, जो कि आपको इसमें नहीं, आपको टाटा की कुछ और कार्स में भी देखने को मिलता है। तो एक पैनल गैप का इशू है जो मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे फील होता है इस कार में। सो बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, और काफ़ी बड़ा पॉइंट बन जाता है कई लोगों से, वो है इसके लॉक से रिलेटेड, बिकॉज इसमें लॉक के लिए कोई और डेडिकेटेड बटन्स आपको नहीं दिया गया है। तो कई बार आपके पास डेडिकेटेड बटन ना होने की वजह से आप जब भी इस कार को सिंगल पुश में ओपन कर सकते हो, तो कार लॉक होना का एक बहुत बड़ा इशू है जो लोग, कई लोग मानते हैं इस बारे में। एंड स्पेशली अगर आपके साथ कोई बच्चे हो, तो बच्चों के लिए ये थोड़ा सा एक इशू बन जाता है, बिकॉज इसमें कोई डेडिकेटेड बटन नहीं आता जिससे आप लॉक कर सको कार को, एक सिंगल पुश में आप इस कार को अनलॉक कर सकते हो। मैंने पर्सनली इसको फेस नहीं किया, बट ये हाँ, ये एक जेन्युइन इशू है, एंड जो लोग भी ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं मैं मान सकता हूँ, एग्री करता हूँ उनके पॉइंट से, कि हाँ ये एक इशू है इस कार में। सो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो कई लोगों को इस कार से कंसर्न है, वो है इसकी माइलेज को लेके। ये कार में कई लोगों ने माइलेज इशू का कंप्लेन करी है, कि हाँ हमें माइलेज इशू आती है इस कार में, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। इस कार में आपको उतनी माइलेज नहीं मिलेगी जितना आप सोच रहे हैं। अगर मैं बात करूँ सीधे सीधे इसकी माइलेज फिगर की, तो ये कार आपको सिटी में अराउंड 12-13 के बीच में कोई माइलेज निकाल के देती है, अगर ट्रैफिक कंडीशन सही हो। और वहीं हाईवे में इस कार की माइलेज आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी, बट सिटी में यस माइलेज इश्यूज है। वो मैं सही बताऊं तो यार, सिर्फ इस कार के लिए नहीं है, अगर ट्रैफिक कंडीशन आपकी सिटी में हाई है, तो आप किसी भी ब्रांड की कार लीजिए, आपको माइलेज इशू देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये का कहना मैं बोलूँगा पूरी तरह से सही भी नहीं है कि इसी कार में माइलेज इशू है। ये माइलेज इशू आपको और कारों में भी फील होगा अगर आपके सिटी में ट्रैफिक कंडीशन हाई है। तो ये
पॉइंट को मैं न्यूट्रल रखता हूँ कि अगर जो लोग बोलते हैं कि माइलेज इशू है, हाँ एग्री करता हूँ कि अगर आपके सिटी में ट्रैफिक कंडीशन ज़्यादा है और अगर आपकी ड्राइविंग हैबिट ऐसी है कि आप ज़्यादा एक्सेलेरेट करके चला रहे हो तो आपको माइलेज में इशू फेस होगा, बट अगर आपके सिटी में ट्रैफिक कंडीशन सही है तो ये आपको 12 टू 15 के बीच में भी आराम से सिटी में माइलेज निकाल के दे देगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी मैंने इसको कम ट्रैफिक कंडीशन में ड्राइव किया है मैंने इससे सिटी में 15 की एवरेज भी अचीव की है। तो टोटली डिपेंड करता है कि आपकी कार में सिटी आपकी आपके सिटी में सॉरी ट्रैफिक कंडीशन कैसी है, तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इस पर आपका माइलेज का इशू। तो गाइज अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में और मैं बताता हूँ आपको इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो गाइज नेगेटिव पॉइंट्स तो हमने देख लिए, बट ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें इस कार के बारे में जो कि आपको मजबूर करेगी इस कार को लेने में। तो चलिए आपको दिखाता हूँ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। सो गाइज पहला पॉजिटिव पॉइंट जो इसके 90 डिग्री ओपन डोर है ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग आदमी है, कोई एल्डर बंदे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है इस कार में चढ़ना और उतरना। तो ये 90 डिग्री ओपन डोर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं अगर आपके घर में कोई ऐसे लोग रहते हैं जिनकी एज ज़्यादा हो। सेकेंड अगर पॉजिटिव पॉइंट की मैं बात करूँ तो वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी तो यार इस कार का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ ये कार आती है और बिल्ड क्वालिटी मैं आपको बताऊं, जब इस कार में आप बैठोगे आपको फील हो जाएगा कि आप किसी सॉलिड चीज़ में बैठे हो भाई। अंदर जब आप इसके कैबिन में बैठोगे आपको फील होगा कि जो क्वालिटी यूज़ की गई है, जो स्ट्रक्चर क्वालिटी है इस कार की, वो आपको इसके कार के कैबिन में बैठते ही फील हो जाएगी। मेरे पास मैंने बहुत सारी कार्स ड्राइव करी है आज तक, मैंने बहुत सारी कार्स अभी मैं यूज़ भी कर रहा हूँ इसके अलावा, बट जो कैबिन में बैठ के जो फील इस कार में आती है ना वो और किसी कार में नहीं आती। तो स्ट्रक्चर क्वालिटी वाइज, बिल्ड क्वालिटी वाइज बहुत ही बढ़िया कार है ये, बहुत ही बढ़िया कार है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका एक और पॉजिटिव पॉइंट। सो गाइस अगर बात करूँ इसके नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की तो वो है इस कार की हैंडलिंग। इस कार की हैंडलिंग इतनी बढ़िया है ना यार, इस कार में जो स्टेयरिंग रिस्पॉन्स है वो आपको बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा स्टेयरिंग रिस्पॉन्स है इस कार का। अगर बात करूँ स्टेयरिंग रिटर्न आने की, कार का स्टेयरिंग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है आपको अपनी पोजिशन पर, जैसे ही आप इसको टर्न लोगे अपनी पोजिशन पर रिटर्न आता है। हैंडलिंग बहुत अच्छी है कार की, आपको सिटी में ड्राइव करो चाहे हाईवे में ड्राइव करो बहुत ही कन्वीनियंट स्टेयरिंग है। सिटी में काफ़ी लाइट है इसका स्टेयरिंग और वहीं आप जब हाईवे में जाते हो तो स्टेयरिंग में आपको वो हार्डनेस भी दिखती है और आपको वो क्या कहते हैं आपको स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है इसका स्टेयरिंग। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है अगर आपके पास अच्छी स्टेयरिंग फीडबैक हो आपकी कार का, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप इसको हाई स्पीड में चलाते हो। तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है इस कार में भी। उसके अलावा नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो जैसे आपको पता है 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इस कार में आती है। अब बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे आपको कई बार अगर आपकी सिटी में रोड कंडीशन अच्छी है तो आई डोंट नो, बट अगर बहुत सारे सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे रोड कंडीशन कई जगह ख़राब होती है और हमें कई जगह कहीं ऑफ रोड्स पे भी कार को ड्राइव करना पड़ता है, उस जगह पे जो इसकी 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है बहुत हेल्प करती है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी एग्जाम्पल शेयर किया था, मैंने इस कार को मशोबरा में मैं ले गया था एंड मशोबरा में मैंने इसको एक गाँव की सड़क में ड्राइव किया था जहाँ पर रोड कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी है उस कंडीशन में चलाने के लिए। बात करूँ यार ख़राब रोड कंडीशन से मुझे एक और चीज़ याद आई, वो है इस कार का सस्पेंशन। सस्पेंशन इतना प्यारा ड्यून किया गया है, आपको कहीं भी किसी भी ऑफ रोड पैच पे अगर आप चलाते हो तो कहीं से भी आपको वो डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता, बहुत ही कम्फर्टेबल राइड मिलती है आपको इस कार में जब भी आप इसको चलाओगे। तो ये सस्पेंशन भी मैं बताऊँगा इस कार का एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मुझे जो फील होता है इसका एसी की फीडबैक भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कूलिंग करता है और जैसे कि आपने देखा होगा इस सेगमेंट की और कई कार्स में आपको रियर एसी वेंट भी मिल रहा है, बट मेरा पर्सनली मानना है इस सेगमेंट की कार्स में रियर एसी वेंट की ज़रूरत नहीं है। और इस पर्टिकुलर इस कार की बात करूँ तो इसका एसी इतना इफेक्टिव है कि आपको रियर एसी की ज़रूरत कभी फील ही नहीं होती, बहुत अच्छा फीडबैक है इसके एसी का। तो ये एक और पॉजिटिव पॉइंट है इस कार में। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो है इस कार की हाईवे में स्टेबिलिटी। इस कार की हाईवे में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, जब भी इस कार को आप हाईवे में चलाओगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, बहुत ही स्टेबल कार है। एक एसयूवी सेगमेंट की एक मिड एसयूवी सेगमेंट की एक कार आती है बट कार में बॉडी रोल बिल्कुल ना के बराबर है और बहुत अच्छी ग्रिप
आपके साथ ये कार चलती है हाईवेज में, आपको फील नहीं होता कि भी कहीं से भी कि आप वो ग्रिप लूज कर रहे हो और आपकी कार स्टेबल नहीं है, बहुत स्टेबल होकर कार चलती है, पूरा कंट्रोल रहता है आपका ये कार जब भी आप ड्राइव करते हो। एक और पॉजिटिव पॉइंट मैं बताऊं आपको, वो है इस कार में मिलने वाली विजिबिलिटी। आपको एक अपराइट स्टांस पे आप बैठते हो कार में, आपकी विजिबिलिटी पूरी दिखती है, आपको बोनट पूरा दिखाई देता है। और एक कंसर्न जो रहता था जो नेक्सॉन के साथ भी लोगों को रहा है कि आपका ए पिलर काफ़ी वाइड था, इसका ए पिलर इतना वाइड नहीं है, तो आपका वो ब्लाइंड स्पॉट भी कम बनते हैं इस कार में, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है इस कार में। तो गाइस एक पॉइंट मैं कवर करना भूल गया था, वो है इस कार के गियर से रिलेटेड। हाँ मैं मानता हूँ इस कार के गियर में आपको उतना स्मूथनेस नहीं मिलता जितना आपको बाकी कार्स के बाकी कंपनीज की कार से मिलता है, गियर में इतनी स्मूथनेस नहीं है, और वो पर्टिकुलर इस कार के लिए नहीं, वो टाटा की और कार्स में भी मैंने फील किया है कि गियर इनके इतने स्मूथ नहीं रहते। बट ओवरऑल कार बहुत अच्छी है। मैं पर्सनली इस कार को 1.5 साल से ड्राइव कर रहा हूँ, 11,000 किलोमीटर अराउंड इसको मैं चला चुका हूँ, बहुत सारी रोड कंडीशंस पे मैंने चलाया है इसको, हिल्स पे मैंने इसको ड्राइव किया है, हाईवेज पे ड्राइव किया है, काफ़ी सारी रोड कंडीशन पे ड्राइव करने के बाद ओवरऑल मेरा जो कंक्लूजन बैठता है इस कार के बारे में, तो वो यही है कि यार ये कार जिस रेंज पे आती है उस कार में, उस रेंज पे बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये टाटा का। आपको एक SUV वाला फील ये कार देती है, और इस प्राइस ब्रैकेट में कोई और कार ऐसा नहीं है जो आपको ये फील देगी। बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी एक और पॉइंट है जो इस कार के साथ आता है, जो कि इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, तो ये प्लस पॉइंट उसके साथ है ही। प्लस ये कार मैं मानता हूँ कि थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं अंडर पावर वाला जो इशू है वो है इसके कार के साथ, बट ओवरऑल वो चीज़ें आप एक पॉइंट पे निग्लेक्ट कर सकते हो अगर आप एक ऐसे ड्राइवर हो जो आप रैश ड्राइव नहीं करते, आप ज़्यादा एक्सलेट नहीं करते, तो आपको वो चीज़ें फील भी नहीं होगी जो अंडर पावर की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको फील नहीं होगा। अगर आप एक नॉर्मल स्पीड में कार ड्राइव करते हो, आपको ज़्यादा रैश ड्राइविंग नहीं करनी, ज़्यादा एक्सलेट नहीं करना, तो वो इशू आपको फील भी नहीं होगा इस कार पे। और ओवरऑल मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि ये कार अगर आप इस बजट सेगमेंट में देख रहे हो तो ये कार अभी भी नंबर वन कार है इस बजट सेगमेंट में, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये टाटा का। तो सिंपल सी बात है यार, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही बोलता है, जो मैंने आपको इश्यूज़ बताए आज इस कार से रिलेटेड वो सारे इसमें जो हैं वो जेन्युइन इश्यूज़ हैं, और जो सारे पॉजिटिव पॉइंट मैंने आपको बताए वो सारे पॉजिटिव पॉइंट भी बिल्कुल जेन्युइन है। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई पॉइंट मिस कर रहा हूँ तो वो मुझे भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आई होप मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए होंगे इस कार से रिलेटेड, एंड अगर अभी भी कुछ बच जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते, मैं ट्राई करूंगा कि वो सब चीजें भी कवर कर दूं, बट मैंने अपनी तरफ से इस कार से रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं जो अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किए इस कार के साथ। तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।